नाउ स्टूडेंट, सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप पर बेस्ड मैं आपको एक नया कंसेप्ट, नया क्वेश्चन बताऊंगा. और कंसेप्ट क्वेश्चन क्या है? टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम जीरो के इक्वल रखते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. यानी जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल Px को जीरो के बराबर जब हम रखते हैं, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाया जाता है. व्हेन, कब इसे फाइंड करना है? जब इसके सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन हो. यानी सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू पता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू पता है, तब हम आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं. अगर आप जीरो को डालेंगे तो Px इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो स्टूडेंट, उसके लिए एक एग्जांपल मैं बताऊंगा. देखिए, find a quadratic polynomial with a given numbers as a sum and the product of the zeros respectively. Yani first number 1 upon 4 is the sum of the zeros and second number is minus 1 is product of the zeros. See, let the polynomial be ax square plus bx plus c. Ye polynomial hai. So quadratic polynomial, quadratic equation kya hogi iski? ax square plus bx plus c equal to 0. Ye quadratic equation kya lai jayegi? And it zeros भी alpha and beta मान लेते हैं student. So c alpha plus beta यहाँ पर क्या होगा? 1 upon 4, that is minus b by a की value होगी student वो. And alpha into beta product of the roots की value minus 1. ये value किसके बराबर होगी student? c by a की. अब मैं minus 1 को student, अगर हम देखें यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ नीचे भी a है और यहाँ भी a है. तो नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पर 1 है. इसके नीचे माइनस 1 के नीचे स्टूडेंट कितना होगा? माइनस 1 के नीचे यहाँ पर 1 लिख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, अगर इस 1 को 4 बनाना है, क्योंकि आपको a यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? नीचे की तरफ मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा डिनोमिनेटर 1 को, एंड ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा इस तरह से 4. क्यों स्टूडेंट, क्यों करा है? क्योंकि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यहां जहां नीचे a था डिनोमिनेटर, वो 4 है, तो यहां भी मैंने 4 ही बनाया. सो स्टूडेंट, दिस विल बिकम -4/4. तो अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं माइनस बी की वैल्यू 1, दैट इज अगर माइनस बी की वैल्यू 1 होगी तो b कितना होगा स्टूडेंट? 1 के बराबर होगा. a की वैल्यू 4, C की वैल्यू माइनस 4, सो A की वैल्यू 4. तो यहां पर दोनों जगह A की वैल्यू 4 आई. अगर हम ये नहीं बनाते नीचे की तरफ, तो A की वैल्यू सेम नहीं आती. तो आपको सेम बनाना है पहले डिनोमिनेटर्स को, अगर नहीं हो सेम. सो ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन वी गेट A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू माइनस 1, C इज इक्वल टू माइनस 4. सो जब हम यहां रखेंगे A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पर माइनस x हो जाएगा, C इज इक्वल टू माइनस 4. तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आ गया. और अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, इक्वल टू 0 है. सो इस तरीके से आपने जब सम ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की मदद से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लिया. नाउ स्टूडेंट, अब इन कंसेप्ट पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में. सी द एक्सरसाइज.